अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की। दरअसल इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। ईसीआई की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। होटल ललित में समीक्षा बैठक जारी है। ईसीआई के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में दल की बैठक जारी है। नितेश व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू, मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ प्रधान सचिव एनएन बुटोलिया, निदेशक पंकज श्रीवास्तव, संतोष अजमेरा, सचिव अश्विनी कुमार मोहल, अवर सचिव नवीन कुमार और निदेशक दीपाली मार्सिकर बैठक में शामिल है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर संभाग के कलेक्टर एसपी को प्रस्तुतिकरण देंगे। नवाचार और मतदान की जारी व्यवस्थाओं के बारे में ये प्रेजेंटेशन रहने वाला है। निर्वाचन विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, ईसीआई की समीक्षा बैठक, चुनावों से पहले क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये बेहद अहम होगा। क्या फीडबैक लिया जाता है, किस कौन सा इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील है, कहां पर सबसे ज्यादा सख्ती की निगरानी की जरूरत है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर सेंसिटिव एरिया बहुत ज्यादा है, वहां पर भी नजर बनाई जा सकती है। तो हर एक तरीके से और चुनावों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर भी ध्यान रखना होगा। तो तमाम तरह के बिंदु हैं जिस पर ईसीआई की समीक्षा बैठक है। हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बेहद खास समीक्षा बैठक है ऋतुराज, फिलहाल आप ज्यादा जानकारी दीजिए, कितने बजे, क्योंकि शुरू तो ये हो चुकी है, कब तक ये चलेगी, फिलहाल मुख्य बिंदु कौन से हैं? देखिए, अभी जो शुरुआती दौर में जो वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त हैं धर्मेंद्र शर्मा, उन्होंने अपना बात कही कि किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक तरह से मैराथन दौड़ दौड़नी है कलेक्टर्स को, एसपी को। जो पहले जो कार्यक्रम था उसमें मामूली सा रद्दोबदल करते हुए जिन क्षेत्रों में चक्रवात की आशंका है उन क्षेत्र के जिला कलेक्टर्स को और एसपी को पहले लिया जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे जैसलमेर है, सिरोही है, जालौर है, इन कलेक्टर्स एसपी को पहले लेने की बात अब कही जा रही है। और ये कलेक्टर्स अपने जिलों के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे कि उन्होंने क्या नवाचार किए हैं स्वीप कार्यक्रम को लेकर खासतौर पर, और मतदान बढ़ाने के लिए किस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू किया है, और विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या विजन है, क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। जो शुरुआत में सीईओ प्रवीण गुप्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि एक ब्रीफ नोट तैयार कर लिया जाए, ताकि चूंकि सातों संभागों के कलेक्टर्स हैं उनको बराबरी से मौका मिले। यह भी बात सामने आ रही कि कल जो बचे हुए कलेक्टर्स और एसपी के साथ संवाद होगा उनमें कुछ भरतपुर के जिले बचेंगे और कुछ और बचेंगे, और कल दोपहर 12:30 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1.5 दिन में ये पूरा काम कर लिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि पहले ये बात कही जा रही थी कि प्रवर्तन एजेंसियां जो ईडी और आयकर अन्य हैं उनके साथ अलग से बैठक होगी, लेकिन अब उस कार्यक्रम को भी संशोधित किया है और सीएस और जो यहाँ पे डीजीपी हैं इनके साथ भी बैठक का प्रस्तावित थी, लेकिन अब उस कार्यक्रम को भी फिलहाल संशोधित किया क्योंकि कलेक्टर्स और एसपी का ये दिन भर आज 6:00 बजे तक करीब रहने वाला है। उसके साथ ही कल जब सुबह के सेशन में आएंगे तो बचे हुए कलेक्टर्स और एसपी के साथ संवाद किया जाएगा। तो इसमें मुख्य तौर पर जैसे कि आपने कई बिंदु बताए कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान किस तरह से करें और उन वल्नरेबल क्षेत्रों के लिए किस तरह के फोर्स डिप्लॉयड करनी है और तमाम तरह के क्या इंतजाम किए जाने हैं, उन तमाम बातों को यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही जो मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसमें क्या फीडबैक रहा, 17+ के जो आयु के जो नए मतदाता जोड़ने थे उसमें क्या फीडबैक रहा। तो करीब 75 से 76 लाख मतदाता जुड़ रहे हैं, हमें नए मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 75 से 76 लाख मतदाताओं को जोड़ने में जिला कलेक्टर्स ने क्या योगदान दिया है वो अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ ही जो तमाम तरह के नवाचार हैं जिसमें दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों तक लाना और वहीं घर पर ही वोटिंग की सुविधा देना, 80+ के जो बुजुर्ग हैं उनको भी सुविधा दे मुहैया कराना, इन तमाम बातों को लेकर क्या तैयारी है और किस तरह से रैंप और अन्य बातों की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है। जो मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं उनमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं पहले देख ली जाएं,
इस बात का कि एहतियात विशेष रूप से बरतते हुए किस तरह से काम किया जाए, यह तमाम बातों पर यहाँ पर फोकस रह रहा है। साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें जो पुलिस जाप्ता है उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह से हो और उसके लिए खास तैयारियां क्या की जाएं, वेबकास्टिंग किन किन क्षेत्रों में की जाए, वेबकास्टिंग जहाँ जरूरी है वहाँ की जाए या फिर तमाम मतदान केंद्र वहाँ पर लिए जाएं, इन तमाम तरह की बातें यहाँ पर आ रही हैं। और जो ईवीएम है, ईवीएम की जो एफएलसी है वो हो चुकी है, फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी हो चुकी है। तो उस एफएलसी का क्या परिणाम रहा है और आगे अब जब एक एक करके मतदाताओं को जागरूकता का काम किया जा रहा है, कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में जाया जा रहा है और ईवीएम के बारे में बताया जा रहा है, जो नए मतदाता हैं उनके लिए अब आगे कार्यक्रम तय होगा कि नए मतदाताओं को जो 75 लाख करीब जुड़े हैं उनको किस तरह से जागरूक किया जाए और एफएलसी के बारे में बताया जाए, जो फर्स्ट लेवल चेकिंग उसके बारे में बताया जाए, ईवीएम के बारे में बताया जाए कि किस तरह से ये सावधानी पूर्वक है, सुविधाजनक है और किस तरह से इसमें किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर कार्यक्रम जो एक के बाद एक सामने निकल कर सामने आते हैं निर्वाचन आयोग के, उन बातों को लेकर किस तरह से जागरूकता है कलेक्टर्स में और कलेक्टर्स की जागरूकता के साथ वो क्या नवाचार कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर फोकस रहने वाला है। एसपी की जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या नए प्रयोग किए हैं, इस तरह से बात यहाँ पर रखी जा सकती है। जो एसपी का प्रेजेंटेशन हालांकि कम है लेकिन कलेक्टर्स का के जो प्रेजेंटेशन में काफी बात इस बात को लेकर भी होगी कि सुरक्षा व्यवस्था की उनकी क्या पोजीशन है उनके जिले में। तो ये तमाम बातों पर यहाँ पर केंद्र बिंदु रहने वाला है। दो दिन ये बैठक चलेगी, दो दिन के बाद हम आप नजर बना के